फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, जय जगन्नाथ। आज हूँ जुलाई मास 12 तारीख मंगलवार। आज मुझे पाखक ओडिशा तथा देश विदेश 15 बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर नहीं प्रथम खबर मागणा सिलाई मशीन स्कीम मागणा सिलाई मशीन बंटन करुछंती मोदी सरकार। 20-40 वर्ष महिला मैंने स्कीम आवेदन कर मागणा सिलाई मशीन पाइपर केन्द्र सरकार यह योजना देशर समस्त राज्यपाई प्रस्तुत करिसंती। प्रत्येक राज्य में 50,000 महिला को सिलाई मशीन प्रदान करा जाय थाए आउ एथिपाई कौनसी प्रकार शुल्क देवाक पड़ न थाए। वर्तमान यह योजना हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्णाटक, राजस्थान, मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ भली राज्य में कार्यकारी हो राज्यर महिला मैंने स्कीम्र फायदा भी नहीं पारे। यह स्कीम द्वारा उभय ग्रामांचल एवं सहरांचल महिला मैंने लाभ पाइपर महिला मैंने ऑनलाइन आवेदन करें। जदि कहीं योजना अधीन आवेदन करने को चाहती तेबे प्रथम यार ऑफिशियल वेबसाइट www.india.government.in/https को जीवाक पड़ो। वेबसाइट्र मूल पृष्ठ आपड़ सिलई रगणा जोगाण आवेदन करने को एक लिंक पाइबे। जाणि रखंतु जे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन आसंता जुलाई 29 और 30 तारीख रे हेबाकु थिबा बैठक में केन्द्रीय पेंशन वितरण प्रणाली प्रस्ताव पर यह योजन मोहर लगिबो। एही प्रणाली स्थापन पर देश में पाखापाखी 73 लाख पेंशन को खाता रे पेंशन को एकथरिक ट्रांसफर करा जिवो। एबे ईपीएफ 138 क्षेत्रीय कार्यालय निज क्षेत्र अंतर्गत लाभार्थी अकाउंट रे पेंशन ट्रांसफर करती। एमिति रे पेंशन को पेंशन राशि भिन्न भिन्न दिन में अलग समय मिलता है। सूचना अनुजाई ईपीएफ निर्णय शीर्ष निकाय केन्द्रीय न्यासी बोर्ड माने सीबीटी आसंता जुलाई 29 और 30 तारीख एने एक प्रस्ताव दि जाएगी। परवर्ती खबर लघुचाप आणुची बड़ वर्षा ओडिशा रे कालठारु काचिबो कालीठू बढ़िबो वर्षा परिणाम। उत्तरांध्र एवं दक्षिण ओडिशा उपकूल लघुचाप क्षेत्र आज उत्तर पश्चिम बंगोपसागर तथा समुद्र मध्य ओडिशा उपकूल सक्रिय रही। आगामी 48 घंटा मध्य आहुरी घनीभूत होबार संभावना रही। विशेषकर दक्षिण ओडिशा अधिक वर्षा होबो बोली पूर्वानुमान करा जायछि। एबे ओडिशा उपरे गोटे लघुचाप प्रभाव रही। दिने दुई दिन मध्य आउ एक लघुचाप सृष्टि संभावना रही। फल मौसुमी सक्रिय होबा सह भल परिमाण वर्षा संभावना रही। 14 रु 16 तारीख मध्य प्रबल वर्षा होबा संभावना रही। प्रबल रु अति प्रबल वर्षा पई आज 8 जिला को ऑरेंज वार्निंग जारी करा जाई। जिला गुड़िक कंधमाल, नवरंगपुर, कलाहांडी, गजपति, गंजाम, कोरापुट, रायगड़ा और मलकानगिरी। ए जिला गुड़िक 7 रु 20 सेंटीमीटर वर्षा होबार संभावना रही। परवर्ती खबर राजधानी में बढ़ुची कोरोना मॉल रे मास्क, थर्मल स्क्रीनिंग और सानिटाइजिंग बाध्यतामूलक। राजधानी में कोविड आक्रांत संख्या बढ़िबार लगी। कोविड बढ़िबा परे बीएमसी विभिन्न पदक्षेप नहींथिले मध्य एहार कोनोसी स्थान रे पालन हेउनथिबा परिलक्षित होईछि, जहाँकि चिंतार कारण पाल्टिछि। रविवार बीएमसी अंचलर 185 आक्रांत चिन्हट होइथिया बेले समस्त आक्रांत स्थानीय संक्रमित बाहरी। अन्यपटे बढ़ुथिबा मामला को दृष्टि रखि बीएमसी पक्षर मलगुड़िक मास्क पिंधिबा नियम कड़ाकड़ी करा जायछि। शॉपिंग मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और बड़ वाणिज्यिक संस्था आदि सानिटाइजिंग और थर्मल स्क्रीनिंग को पूर्व बाध्यतामूलक करा बेले रविवार यह प्रसंग को विभाग आउ थे देख। परवर्ती खबर अर्थमंत्री बड़ घोषणा आसंता 18 तारीख रु दही लसी समेत अनेक सामग्री हो महंगा। देखु महंगा सस्तार लिस्ट किसी नुआ उत्पाद द्रव्य और सेवा उपर जीएसटी दर वृद्धि होगा जा 18 जुलाई पर प्री पैकेज्ड कृषि उत्पाद मध्य पनीर लसी, छाछ, पैकेज्ड दही, गहम अटा, महू, पापड़, खाद्यान्न, मांस, माछ, मुरमुरी, गुड़ आदि महंगा हेबो। अर्थात यह सब सामग्री पर अधिक टैक्स लागू हेबो। वर्तमान ब्रांडेड और पैकेज्ड खाद्य पदार्थ उपर 5% जीएसटी लागू रही। टेट्रापैक दही, लसी, बटर मिल्क उपर 5% जीएसटी। चेकबुक जारी करने 18%। हॉस्पिटल 5,000 अधिक भड़ा विशिष्ट रूम पर 5%। आटलास सहित मैप और चार्ज उपर 12%।
हजार टंका रे कम भड़ा विशिष्ट रूम उपरे 12%, एलईडी लाइट एलईडी लैंप उपरे 18%, ब्लेड पेपर कैंची पेंसिल शार्पनर चामच कंटयुक्त चामच स्कमर्स और केक सर्वस 18% GST लागिबो।